Şöyle mi söyledin? Lighting देख लेना हां तो भाई आज हमारे साथ एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जिसने अपने मुनफरिद अंदाज से TikTok पर तहलका मचा दिया और देखते ही देखते इतना मशहूर हो गया कि हर कोई इनका ना चाहते हुए भी फैन बन ही गया। जब मेरे साथ मौजूद हैं परवीन और जुनेद, इनसे जानते हैं इनकी कहानी के कैसे ख्याल आया TikTok पर वीडियोस बना के मशहूर होने का, और अब जब ये मशहूर हो गए हैं तो इनको कैसा लग रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कितनी नेगेटिविटीज इनको फेस करनी पड़ रही है और कितनी पॉजिटिविटीज इनको देखने को मिल रही हैं, ये बात करते हैं। सबसे पहले जुनेद भाई, जुनेद भाई बताइएगा कि आप जॉब भी करते हैं, फिर आप हाउस वाइफ हैं, तो फिर ये TikTok का जुनून ज़्यादातर जो है ना वो बच्चों पे सवार होता है, आप दोनों पे सवार कैसे हुआ? लॉकडाउन लॉकडाउन बेसिकली लॉकडाउन में लोग अपना सब बंद के कारोबार वगैरह, तो हमें वीडियो बनाने का शौक चढ़ा कि चलो टाइम पास कर ले, थोड़ा डब मैच वगैरह बना रहे, बनाते बनाते वीडियोज़ पे आ गए, फिर लाइक पे आए, फिर शौक बढ़ा कि लाइक्स मिल रहे, चलो लोग अप्रिशिएट कर रहे, तो इस तरह बनाते बनाते TikTok पे भी हमने अपलोड करना शुरू कर दी, अपलोड करी तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता गया और अब इतना बढ़ गया माशाल्लाह के सामने। अच्छा मुझे बताएं ऐसे आपका प्रोफेशन है क्या, करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ इधर सुपरवाइजर CCTV। अच्छा सही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इतना कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता कि ऑन कैमरा वो आके डांस करे, एंटरटेन करे लोगों को, आपने इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कैसे किया? कॉन्फिडेंस तो ये इस तरह बिल्ड हुआ है कि मैं पहले शॉपकीपर था, सेल में नहीं करता था, तो सेल मैनी में हर तरह का कस्टमर फेस करना पड़ता था, अच्छे लोग भी आते थे, बुरे लोग भी आते थे, लेकिन फेस करते थे, और अब वीडियो में भी वही हो रहा है सेम, ऐसे लग रहा है मेरे सेल में मन में उम्मीद है। अच्छा स्टार्ट इन्होंने लिया था वीडियो का, आपने एतराज़ नहीं किया, आपने नहीं बोला कि नहीं मुझे क्यों आप साथ में वीडियो नहीं, आपको भी शौक था इस चीज़ का? मुझे शौक तो था नहीं, लेकिन ये बोलते थे चलो वडिंग बनाते हैं, चलो तुम भी आ जाओ इसमें बनाते हैं, तुम भी जब मैच करो तो खड़े हो जाओ साथ में, बहुत बोलते थे, तैयार होने का मौका मिलता था, तैयार हो जाती थी चलो बनाते, मतलब सजने संवरने का शौक है। हाँ अच्छा मुझे बताइएगा TikTok पे कितना अच्छा हो गया है वीडियो बनाते हुए? TikTok से तमाशा रहा स्टार्ट हो गया, उससे पहले से मतलब थे लेकिन वो एक अकाउंट बैंड हो गया था। अच्छा ये न्यू अकाउंट है, इसने माशाल्लाह से खूब माशाल्लाह से वायरल हो गया और खूब ग्रो भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, काफ़ी लोग पहचानते हैं अब तो। अच्छा इतना वक्त मिल जाता है दोनों को कि TikTok पे आप रोज़ की कितनी वीडियो अपने खास से दो ज़्यादा ही अपलोड कर रहे होते हैं, इतना टाइम मिल जाता है? हाँ निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, मिलता नहीं है पर निकालना पड़ता है, काम करना है, हमारे कामों में ये भी एक इजाफा है। अच्छा सही, मतलब डेली रूटीन में ये आपके शामिल है, ये भी एक शामिल सही। जुनेद बताइएगा मुझे कि TikTok पे रोज की कितनी वीडियो लाजमी बना के डालनी होती है आपने? लाजमी हम लोगों ने कम से कम दो फिल्म रखी है। अच्छा दो तो डाली है। सही सही। अच्छा मुझे बताएं आपके जो डांस मूव है वो बेसिक है आपकी मशहूरियत का, लोगों को ना प्यार हो गया है आपके डांस से, वो कहाँ से सीखा और कैसे कर लेते हैं आप? बचपन से शौक था हिलने झुलने का, उछलने कूदने का, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा जो डांस स्टेप करना शुरू करते थे, तो टीवी वगैरह में देखते थे, सॉन्ग देखते थे, तो उछल कूद कर लेते थे, उछल कूद करते करते मैंने चलो उसको आजमा के देखे, तो ऐसे 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 प्रैक्टिस होती गई और आपके सामने रिजल्ट, और लोगों को अच्छा भी लग रहा, वो एंटरटेन होते हैं लोग, होते हैं हमें मज़ा आया, हमारा टाइम पास हुआ, तो बड़ा फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं ना कि हाँ अच्छा लग रहा है चलो फिर और करते हैं और करते हैं ऐसे। अच्छा फैमिली वगैरह की तरफ से कभी कोई इशू तो नहीं हुआ, उन्होंने कोई एतराज़ कुछ नहीं किया कि ये क्या तुम लोग जो है वो बच्चों वाली हरकत कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो नाच नाच के, कभी खानदान वालों ने माशरे वालों ने, होता ना नेगेटिविटी बाहर से तो बाद में आती है, पहले घर से ही उठना शुरू हो, घर में तो अल्लाह का शुक्र है सब ने, मतलब सब देखते हैं, सबको लाइक कर दिया करो, कहाँ भी फॉलो करो मुझे, यहाँ भी फॉलो करो, तुम्हें लाइक नहीं किया अपना फ़ोन तो मैं लाइक कर देती हूँ, सबसे लेके माशाल्लाह सब करते हैं पसंद करते हैं, और सबका ये गैदरिंग होती है तो मिलते हैं तो सब इनको पसंद करते हैं, बोलते हैं तुमने ऐसा वाला शेयर किया था हमने देखा, हम भी यार शादी में ऐसा शेयर करेंगे। अच्छा जब से आप मशहूर हुए हैं वहाँ पर खानदान में कभी कोई शादी वगैरह होती है तो लोग तो आपको स्पेशली आप बोलते होंगे फ़ोन करके कि भाई आपने शादी में आके अपने जो VIP वाले स्टेप्स हैं वो जरूर करने हैं, बोल चुके हैं पहले से ही कि ईद पे गए थे हम लोग, तो बोल चुके आप आपको करना है इस तरह से, हम तैयारी करेंगे, रात रुकेंगे, हमें इस तरह से करना है, प्लानिंग पहले से भी चल रही है। तो अच्छा बेटा आपका एक है मेरा एक, अच्छा बेटा भी अप्रिशिएट करता है, साथ देता है आप लोगों को वीडियो में, अक्सर मैंने इनको भी देखा है साथ देते हुए, हम इसलिए कम लेते हैं क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है ना,
आजकल की पढ़ाई आपको लगता है कितनी हार्ड हो गई है, थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, थोड़ा बहुत तो ख्वाहिश होती है लेकिन मैं कम। सही। तो जुनैद भाई मुझे बताइएगा कि आपके प्रोफेशन में दोस्त यार आपके करीबी जो होते हैं कुलीग, वो आपका मजाक उड़ाते हैं या फिर क्या, किस तरह के उनके पास की बात होती है? माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं सारे, बोलते ठीक है आपको, आप अच्छा कर रहे हो स्टेप और माशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, पहले थोड़े से डांस स्टेप बोले बोले आपको थोड़ी आपके थोड़े से कम थे लेकिन आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो और लोग भी आपके सामने रिजल्ट है। इंडिया वाले से भी माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे इतनी वीडियो चल रही है, हमारी पहले नहीं चल रहा है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इतना चल रहा है, इंडिया से भी इतने लोग फैन हमारे मैसेज करते हैं, इतने फैन मैसेज करते हैं कि हमें आपकी वीडियोस बहुत पसंद है। हम बिग फैन, हम आज पाकिस्तान आएंगे तो हम आपसे मिलेंगे। मैं इनको आज यही पढ़ा रही थी, मैं सुनो देखो बेचारा पाकिस्तान आएगा तो हमसे मिलेंगे। अच्छा आगे मजीद किस तरह से बढ़ाना है या क्या सोचा है, किस तरह से जो है वो खुद के डांस को या खुद को प्रमोट करना है आपने? यूट्यूब से चाह रहे कि प्रमोशन मिले ताकि हमारी उस पर थोड़े से आमदनी मिला, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो चाहते कि थोड़ी सी अर्निंग हमारा इजाफा हो जाए। मतलब आप जहाँ पे छोटी छोटी वीडियोज में खुद को दिखाते थे वहाँ पे आप बाकायदा पूरा ब्लॉग अपना पूरा डेली रूटीन दिखाएंगे सबको लगाओगे? तो भाई आप मुझे अपने सबसे बड़ा टिकटॉक अकाउंट का जो है वो बता दीजिए, मैं वीडियो में मेंशन भी कर दूँगी। और यूट्यूब आप किस नाम से अपना? परवीन PERVEEN JUNAID परवीन जुनैद। टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, फेसबुक पेज भी है, सब कुछ मतलब माशा से उसी नाम पर। अच्छा लास्ट में आप दोनों जो लोग देख रहे हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं उनको और जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं उन दोनों लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, पहले बताएँ आप? मैं तो यही कहूँगा कि आप दूसरों को देखते हो तो इग्नोर करना सीखे, यानी कि आप नेगेटिव की आ जाए, किसी को आप बुरा भला बोलना शुरू कर दो ये आपकी ज़ात अच्छा नहीं लगती, नो करें, आपको नहीं समझ आता आप इग्नो करें या ब्लॉक कर दे या आप हाइड कर दो चीज़ को, यानी कि आप किसी को इतनी बुरी गाली दे दे या गलत बात बोल दे, दिल आज़ारी किसी की ना करें, ताकि भले मैं नहीं हूँ कोई भी हो आपको नहीं पसंद है आप नहीं करें, किसी की दिल आज़ारी तो आप ना करें। आप क्या बोलना चाहेंगी जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए? जो लोग पसंद करते हैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप अगर पसंद करते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें इतना अप्रिशिएट करते हैं और आगे से मैं ऐसी मोहब्बत प्यार करते हैं और हमारे कपल को आप इतना अच्छा पसंद करते हैं वो भी मैं। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को हम सुनो 13 साल हो गए, लगता नहीं है वैसे बिल्कुल भी देख के, मतलब पसंद की शादी की? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज इतनी मांग बढ़ेगी अगर ये दोनों इस तरह से मोहब्बत से चल रहे हैं तो उसका मतलब है कि दोनों ने दूसरे का हाथ बड़े ही तहम्मुल और प्यार से थामा हुआ है। देखें थामा हुआ है, थामा हुआ है, बिल्कुल थामा हुआ है। और अल्लाह इनके रिश्ते को सलामत रखे, इनके दिलों में इनके लिए इन दोनों के लिए आपस में मोहब्बत और बढ़े और ये आप लोगों को भी खुश रखें, इनको सपोर्ट करें ना कि डिमोटिवेट करें। अगर आपको पसंद नहीं आता तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग भी तो दूर से दूल्हे नहीं होते, जाके और वीडियो देखें। सही कहा आपने।